प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमेन। लेट्स प्रे बिफोर गोइंग टू वर्ड। वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। क्लोज अवर आईज एंड बो डाउन अवर सेल्फ एंड बी हम्बल बिफोर लॉर्ड। हमारी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने झुके और अपने आप को नम्र बनाए। कम विथ फेथ, और विश्वास के साथ आए। फॉर गॉड इज प्लीज्ड बाय फेथ, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से खुश होता है। फादर वी थैंक यू वंस अगेन यू गैदर्ड अस। पिता आपने फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ही लव्ड अस, उसने हमें प्यार किया। ही शेड हिज ब्लड फॉर अस, उसने अपना खून हमारे लिए बहाया। बिकॉज फॉर हिम वी आर बीन फॉरगिवन, उसकी वजह से हमें माफी मिली है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट फॉर यू डाइड फॉर अस, यीशु मसीह आपका धन्यवाद ताकि आप हमारे लिए मरे। यू हैव सेट अस फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, आपने हमें वो सजा से शिक्षा से मुक्त किया है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। वी आर योर, हम आपके हैं। अगेन वी कमिट अवर सेल्फ टू यू, हम फिर से अपने आप का समर्पण आपको करते हैं। वी सरेंडर अवर सेल्फ, हम अपने आप का समर्पण करते हैं। एंड वी वांट दैट यू टॉक टू अस, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करें। एंड व्हाट सो अवर नीड यू फुलफिल इट, और हमारी जो कोई भी जरूरत है वो आप पूरा करो। यू सेटिस्फाई अस, आप हमें संतुष्टि दो विद योर वर्ड, आपके वचन से। फॉर मैन शैल नॉट लिव अलोन बाय ब्रेड, बाय वर्ड वी बिलीव इट, क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं लेकिन आपके वचन से जिएगा, हम ये विश्वास करते हैं। We want to listen your voice, हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं। And we believe you speak, और हम ये विश्वास करते हैं कि आप बोलते हो। You speak to us, आप हमारे साथ बात। Open our ears, हमारे कानों को खोलो। And feed us, और हमें भरो। In Jesus name, यीशु के नाम में। Amen, Amen. Praise God. Praise God. Once again we can shout, praise God. Praise God. की महिमा हो। God is good. परमेश्वर हर समय भला है। आमेन, आमेन। मेनी टाइम वी से प्लीज 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 लॉर्ड फॉरगिव मी, बहुत बार हम कहते हैं कि मेहरबानी करके मेहरबानी करके मेहरबानी करके प्रभु मुझे माफ कर। प्लीज दिस लास्ट टाइम फॉरगिव मी, मेहरबानी करके अंतिम बार मुझे माफ कर। बेटर वी मस्ट से, उससे बेहतर हमें ऐसा कहना चाहिए, लॉर्ड आई प्रॉमिस आई विल डू नॉट अगेन, प्रभु मैं वचन देता हूं कि मैं फिर से नहीं करूंगा। बट वी स्टिल कंटिन्यू चीटिंग गॉड, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के साथ धोखा करना जारी रखते हैं। वी कंटिन्यू सिंग, और हम पाप करना जारी रखते हैं। सो इट इज नॉट वर्दी फॉर फॉरगिवनेस, इसीलिए ये बात माफी पाने के लिए योग्य नहीं है। वी आर नॉट स्टिल फॉरगिवन बिकॉज We are not making any decision. हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अब तक हमें माफी नहीं मिली है। We don't decide or we don't take any vow. हम ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं और ऐसा कोई वचन ऐसा कोई शपथ नहीं लेते हैं। And we don't make right with God. और हम अपने आप को परमेश्वर के साथ सही नहीं करते। We don't say that I will follow you, Jesus. हम ऐसा नहीं कहते कि यीशु मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। And now onwards I will do no mistake. और अब से आगे मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। God surely forgive if we really repent from our sin. यदि हम सच में हमारे पापों से पछतावा करें तो परमेश्वर सच में हमें माफी देता है। There are punishments. ऐसी शिक्षाएं हैं। There are punishment in this world. ये दुनिया में सजाएं हैं। क्रिश्चियन आर पनिश्ड, मसीही लोगों को सजा मिलती है। Jews are punished, यहूदी लोगों को सजा मिलती है। And those who don't know the law, they also are been punished, और जो प्रभु को नहीं जानते वो लोगों को भी सजा मिलती है। क्रिश्चियन आर पनिश्ड एज चिल्ड्रन, मसीही लोगों को ऐसे सजा मिलती है जैसे वो बाल बच्चे है। Jews are punished because of disobedience with God, और यहूदी लोगों को इसीलिए सजा मिलती है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। And others are punished because they don't know God or Jesus Christ. और दूसरे लोगों को इसीलिए सजा मिलती है क्योंकि वो परमेश्वर को या यीशु मसीह को नहीं जानते। We know that when children don't do or don't learn, teacher give them lesson. या हम जानते हैं कि जब बच्चे कुछ सीखते नहीं है या तो कुछ करते नहीं है, तब शिक्षक लोग उन्हें अभ्यास देते, अभ्यास करने। Give them
lesson, go and work at home 10 times or 100 times, write it down. घर जाकर 10 बार लिखो या तो 100 बार लिखो, ऐसा एक काम देते हैं उनको. Yes, teacher tells, write 100 times. शिक्षक ऐसा कहते हैं कि 100 बार ये लिखो. That is not punishment. वो शिक्षा नहीं है. He will come back and he will say, look, I have written 100 times. वो वापस आएगा और दिखाएगा कि देखो मैंने 100 बार लिख दिया है. But if teacher asks the question, same question. लेकिन यदि शिक्षक उसे वही सवाल फिर से करे, and he don't know, और उसे उसका जवाब ना मिले, again teacher will say that again you go and write 100 times. फिर से शिक्षक कहेगा कि जाओ और फिर से तू 100 बार लिख. But he, the child can say, लेकिन वो बालक ऐसा कहेगा, teacher I wrote 100 times, you said. शिक्षक तुमने के जैसे कहा उस तरह मैंने 100 बार लिखा है. My punishment is over. मेरी सजा पूरी हो गई. Why you again you are punishing me? फिर से तू मुझे सजा क्यों दे रहे हो? So that was not punishment. तो वो सजा नहीं थी. That was to teach and to son or children learn. वो बेटे को या बच्चों को वो सिखाने के लिए खाली एक सिखाने जैसा था. वो शिक्षा नहीं थी. Until we don't understand, punishment continue. जब तक हम नहीं समझते तब तक सजा चालू रहती है. Praise God. परमेश्वर की महिमा. I think you understand. मैं समझता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ रहे हो. Don't think that I am punished and God has given some work. ऐसा मत सोचो कि मुझे सजा मिली है और परमेश्वर ने मुझे कुछ काम दिया है. And until his wrath doesn't cool down, और जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो, he will continue punishing me. तब तक वो मुझे शिक्षा करता रहेगा. God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है. He want to teach us. वो हमें सिखाना चाहता है. And if we understand, और यदि हम वो समझते हैं, and we make right with God, और हम परमेश्वर के साथ सही होते हैं, punishment is over. तो सजा पूरी हो जाती है. That is Christian punishment. वो ईसाई लोगों के लिए सजा है. Many times we take it lightly. बहुत बार हम इसे बहुत आसानी से लेते हैं. But God punish. Better to correct before time. We must correct ourselves before time. लेकिन हमें अपने आप को समय आने से पहले ठीक कर देना चाहिए. We know that we know those who drink lot. हम ये जानते हैं कि जो लोग बहुत दारू पीते हैं. Parents or father mother they punish the child. तो उनके जो माता पिता होते हैं वो बेटे को सजा करते हैं. एंड इफ द पर्सन ब्रेक डाउन हिज लेग, और यदि वो व्यक्ति अपना पैर को तोड़ देता है, पेरेंट्स दे आर हैप्पी. तो जो उसके माता पिता है वो खुश होते हैं. दे विल से गॉड हैज पनिश्ड यू, नाउ यू विल नो गो वॉक एंड गो. वो ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर ने तुझे सजा दी है और अब तू बाहर नहीं जाएगा. दिस इज वेरी गुड दैट गॉड हैज पनिश्ड यू. ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने तुझे सजा दी है. गॉड हैज ब्रोक योर लेग. परमेश्वर ने तेरा पाव तोड़ दिया है. बट इफ स्टिल ही गोज लेम, लेकिन यदि वह व्यक्ति लंगड़ा होकर भी बाहर जाता है, दैट वॉज नॉट अ लेसन देन. तो फिर वो उसके लिए एक शिक्षा या पाठ नहीं था. Again he will go and drunk. फिर से वो जाएगा और दारू पिएगा. He don't take punishment seriously. वो सजा को गंभीर रीति से नहीं लेता है. God punished until we don't understand. जब तक हम नहीं समझते तब तक परमेश्वर सजा देता है. That God deals with the Christian. और ये सजा परमेश्वर ईसाई लोगों के साथ करता है. He punished until we don't understand the lesson. जब तक हमें वो पाठ हम नहीं सीख जाते तब तक परमेश्वर सजा करता है. He punish till death. और वो मृत्यु तक सजा देता है. So that we understand that this was very serious. इसीलिए कि हम ये बात समझ जाए कि ये बहुत गंभीर बात है. There are sins that are not been forgiven. ऐसे भी पाप है जिसकी माफी नहीं मिलती. For eternity that we suffer. और अनंत काल तक हम उसका दर्द उठाते हैं. थ्री टाइप ऑफ पनिशमेंट. तीन प्रकार की शिक्षा. पनिशमेंट टिल वी लिसन एंड टिल वी अंडरस्टैंड. ऐसी सजा कि जब तक हमें सुन ले और जब तक उसे समझ ले, ऐसी सजा. पनिशमेंट दैट बिकम अ लेसन टिल द डेथ. और ऐसी सजा कि जो मृत्यु तक हमें एक पाठ सिखाए. थर्ड punishment that will be till eternity.
और तीसरी ऐसी सजा है कि जो अनंत काल के लिए होगी। 1 John 5:16 पहला योहन्ना की किताब 5वां अध्याय और 16वां वचन। There is written if man sees the brother doing sin, वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को पाप करते हुए देखता है, which is not bad enough for death, जो पाप ऐसा है कि जो मृत्यु लाए ऐसा पाप नहीं है, then the brother must pray for the brother, तो वो भाई को वो दूसरे भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Let him make prayer to God, और उसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी God चाहिए। God give him life, God give him life, परमेश्वर तू उसे जीवन दे, तू उसे जीवन दे। But those type of sin are also there which cause death, लेकिन ऐसे भी पाप है कि जो मृत्यु लाते हैं। There are sin that are been punished, ऐसे भी पाप है कि जिसकी सजा मिलती है। Here is written, I don't say that they must make request to God, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो लोग परमेश्वर से विनती करें। Even if we request God, यदि हम परमेश्वर से विनती करें, God will punish surely, तो भी परमेश्वर सजा सच में देगा ही। There are two type of punishment, दो प्रकार की शिक्षा होती है। One punishment, there are punishment that God forgives, ऐसी एक सजा है कि जहाँ पर परमेश्वर माफी देता है। And there are another punishment that God have to do, और दूसरी सजा है कि जो परमेश्वर को करनी पड़ेगी। And there is no forgiveness, और उसके लिए माफी नहीं मिलती। We can read it in 1 John 5:16. Anyone can English read in English. हम ये पढ़ सकते हैं पहला योहन्ना उसका 5वां अध्याय और 16वां वचन, कोई भी अंग्रेजी में पढ़ेगा। If a man see his brother doing a sin, which is not bad enough for death, let him make a prayer to God, and God will give life to him whose sin was not bad enough for death. There is a sin whose punishment is death, and that is death. ऐसा भी पाप है कि जिसकी सजा है ही और वो सजा मौत है। And there is written, I don't say that you make request or you pray for that sin. और वहाँ पर लिखा है कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो पाप के लिए तुम विनती करो। Two type of sin, दो प्रकार के पाप। One sin forgiven, पहला जो पाप है वो माफ किया जाता है। Another sin that cause punishment, और दूसरा जो पाप है वहाँ पर परमेश्वर की सजा आती है। Sin that brings wrath from God, और ऐसा पाप की जो परमेश्वर के क्रोध को लाता है। It is against God, और वो परमेश्वर के विरोध का पाप है। Psalm 105:15 it says, वचन संहिता 105 और 16वां वचन 15वां वचन, touch not my anointed one, वहाँ पर लिखा है कि मेरे जो अभिषिक्त लोग हैं उनको छुओ मत। Do not harm my prophet, और मेरे भविष्यवक्ताओं को नुकसान मत करो, उन्हें हानि मत पहुंचाओ। There is warning, वो एक चेतावनी है। And I will not leave you unpunished, और मैं तुम्हें शिक्षा किए बिना नहीं छोड़ूंगा। There are sin, we do sin, हम पाप करते हैं, ऐसे भी पाप है। टू टाइप ऑफ सिन, दो तरह के पाप। वी सिन विथ अवर ब्रदर्स, हम हमारे भाइयों के साथ पाप करते हैं। अ सिन अमंग मैन, इंसानों के बीच में किया हुआ पाप। सिन अमंग अगेंस्ट गॉड, और दूसरा पाप की जो परमेश्वर के विरोध होता है। वी सिन अमंग पीपल, हम लोगों के बीच में पाप करते हैं। एंड देयर इज sin against God, और दूसरा पाप है जो परमेश्वर के विरोध का पाप है। That is not forgiven, वो पाप की माफी नहीं मिलती। And if we go against servant of God, और यदि हम परमेश्वर के सेवक के विरोध में जाते हैं, we are punished here, तो हमें उसकी सजा यहाँ पर मिलती है। God can forgive in eternity, और अनंत काल में भी परमेश्वर माफ कर सकता है। His will, वो उसकी इच्छा के अनुसार। Matthew 12:32, मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय और 32वां वचन। Let's read. If can anyone can read, कोई भी ये पढ़े। 12:32, मत्ती 12 अध्याय उसका 32वां वचन। And whoever say a word against the Son of Man, इंसान के विरोध में यदि कोई कुछ कहेगा, एनी सर्वेंट ऑफ गॉड, और कोई परमेश्वर के दास के विरोध में कुछ कहेगा, दैट विल बी फॉरगिवन, तो वो माफ किया जाएगा।
Son of man, we are son of man. हम इंसान के पुत्र हैं. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. All we are servant of God. हम सब परमेश्वर के सेवक हैं. If anyone go against servant of God. यदि कोई परमेश्वर के सेवक के विरोध में जाता है. Son of man. इंसान के पुत्र के विरोध में जाता है. It can be forgiven. तो उसकी माफी मिल सकती है. But if anyone go against Holy Spirit. लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध जाता है. Against God. परमेश्वर के विरुद्ध जाता है. There is written. Will have forgiveness, but whoever says a word against the Holy Spirit. If anyone go against Holy Spirit. यदि कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाता है. Will not have forgiveness in this life. In this life, he will be not forgiven. Even God punished till death. But go on punishing. ये जीवन में उसको माफी नहीं मिलेगी मृत्यु तक. परमेश्वर उसे सजा देगा. Punish. और परमेश्वर उसे सजा देगा सजा देता रहेगा. Even after death. और मृत्यु के बाद भी. He will punish. उसे सजा मिलेगी. We know there are people. हम जानते हैं ऐसे लोगों को. Such cruel people. ऐसे क्रूर लोगों को. Even they kill the person. यदि वो कोई किसी को मार डाले. After the death. He will beat. मृत्यु वो मर जाए उसके बाद भी उसे मारते रहते हैं. Go on beating. और उसको मारते रहते हैं. So that is very danger punishment. तो वो बहुत ही भयानक सजा होती है. God says, Jesus Christ said, यीशु मसीह ने कहा, If anyone go against Holy Spirit, यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध जाता है, No forgiveness. तो उसकी कोई माफी नहीं. Not in this world and not in coming. ये जीवन में भी उसे माफी नहीं मिलती और आने वाले युग में भी माफी नहीं मिलेगी. If anyone goes against Son of Man, और यदि कोई इंसान के पुत्र के विरोध में जाता है. There is forgiveness. तो उसके लिए माफी मिलती है. If the servant forgive. यदि वो सेवक माफ करता है. If the prophet forgive. यदि वो भविष्यवक्ता माफ करता है. If the anointed forgive. यदि वो अभिषिक्त व्यक्ति माफ करता है. So Jesus Christ said to his disciple. इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा. To his apostle. उसके प्रेरितों से कहा. You can forgive whom you wish. तुम जिसे माफ करना चाहो उसे तुम माफ कर सकते हो. 1 Corinthians 10:11-30. पहला कुरंथी उसका 11वां अध्याय और 30वां वचन. If anyone go against Jesus Christ, यदि कोई यीशु मसीह के विरोध में जाता है, because they know Jesus Christ as Son of Man, क्योंकि वो यीशु मसीह को इंसान के पुत्र के जैसा समझते हैं, जानते हैं. If anyone go against Jesus Christ, यदि कोई यीशु मसीह के विरोध में जाता है, that is written so many are weak and sick, तो ये लिखा है कि बहुत लोग दुर्बल हैं और कमजोर हैं, and so many are dying. और वो बीमार है और इसीलिए वो मर रहे हैं. They have been punished. वो लोगों को सजा मिल रही है. But not in eternity. लेकिन अनंत काल में नहीं. They have been punished on this earth. उन्हें ये पृथ्वी पर सजा मिली है. God, Jesus Christ can forgive. यीशु मसीह माफी दे सकता है. If we get right with God. यदि हम परमेश्वर के साथ ठीक हो जाए But तो. There are punishment that cannot be forgiven. लेकिन ऐसी भी सजाएं हैं कि जिसकी माफी नहीं मिलती. Read Matthew 6:15. मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय और 15वां वचन पढ़े. But if you do not let man have forgiveness for their sin, if you do not forgive your brother and sister, यदि आप आपके भाई और बहनों को माफ ना करो, you will also will not forgiven. तो आपको भी माफी नहीं मिलेगी. From your father. आपके पिता से आपको भी माफ नहीं किया जाएगा. If you do not forgive people that are friends, जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं उन्हें यदि आप माफ नहीं करते, neither will your father forgive. तो आपका पिता भी आपको माफ नहीं करेगा. We can say, my father. हम ये कहते हैं, कह सकते हैं. Will never forgive me. मेरा पिता मुझे कभी माफ नहीं करेगा. There is written. ये लिखा हुआ है. If anyone go against God, यदि कोई परमेश्वर के विरोध में जाता है, there is no forgiveness. तो उसके लिए कोई माफी नहीं है. And here again it says. और यहाँ पर फिर से ऐसा कहते हैं. If you go against your brother sister, यदि आप आपके भाई और बहन के विरोध में जाओ, you will never be forgiven. तो आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा. So we cannot say that forgive him. तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे माफ करो. There is punishment. उसके लिए सजा होती है. And punishment in this flesh. और ये दुनिया में ये शरीर में सजा मिलती है. Hebrews 10:29.
इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और 29वां वचन, इफ एनीवन डोंट रिस्पेक्ट स्पिरिट गॉड्स ग्रेस, यदि कोई व्यक्ति आत्मा का सम्मान नहीं करता और परमेश्वर के अनुग्रह का सम्मान नहीं करता, He is worthy to be punished. तो वो सजा के योग्य है. And worse punishment he will suffer. और उसको बहुत ही खराब उसके ऊपर सजा आएगी. Second Thessalonians 1:9. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और 9वां वचन. Who don't believe Jesus Christ? जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते. There is no forgiveness for him. उनके लिए कोई माफी नहीं है. There is just eternal punishment. उनके लिए केवल अनंत काल की शिक्षा होती है. So we must be saved today. इसीलिए हमें आज ही बच जाना चाहिए. If we don't believe Jesus Christ, यदि हम यीशु में विश्वास नहीं करते, we are not been forgiven for this cause. तो इसकी वजह से ये कारण से हमें माफी नहीं मिलेगी. If we don't believe Jesus Christ in this world, यदि हम इस दुनिया में यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, many time we say I don't believe. बहुत बार हम कहते हैं कि अब मैं विश्वास नहीं करता. If we don't believe in Jesus Christ, यदि हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, John 3, we can read 18 verse. और योहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और 18वां वचन पढ़े. He shall be condemned. उसके ऊपर दोष लगाया जाएगा. The man who has faith in him does not come up to be judged, but he who has not faith in him. Who? Has no faith or don't believe in Jesus Christ, जो विश्वास नहीं करता और जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है, has been judged even now. He is already judged. उसका न्याय अभी से हो गया है. Jesus Christ and God judge him. यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया है. At the same moment, वही समय में, वही पल, द पर्सन व्हेन ही डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, जो व्यक्ति जब यीशु में विश्वास नहीं करता उसी क्षण, यस, बिकॉज़ ही हैज नो फेथ इन द नेम ऑफ द ओनली सन ऑफ गॉड, या सो देयर इज जजमेंट, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र में विश्वास नहीं किया, इसीलिए उसके ऊपर न्याय आता है. एंड जजमेंट इज इटर्नल हेल, और उसका न्याय ये है कि उसे अनंत काल का नरक मिले. सो वी रीड इन 2 थिस्सलुनीकियों 1:8. इसीलिए हमने पढ़ा 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 8वां वचन. एनीवन प्लीज 8 and 9. 8 और 9वां वचन. ही विल पनिश दोस, गॉड विल पनिश, श्योरली ही विल पनिश, बट वी से व्हेन गॉड, परमेश्वर सच में शिक्षा करेगा, लेकिन हम कहते हैं कि कब वो शिक्षा करेगा. Man, man. Who do not know God? Who do not know God? जो परमेश्वर को नहीं जानते. And second thing, who do not believe in Jesus Christ and His gospel? और जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते और उसके सुसमाचार में विश्वास नहीं करते. And do not obey the gospel of our Lord Jesus. And don't follow according to gospel. और सुसमाचार के अनुसार जो नहीं चलते. God will punish them. परमेश्वर उनको सजा देगा. When? कब? They will be punished with everlasting destruction. They will be punished, but we don't see punishment. उनको सजा मिलेगी, लेकिन हम वो सजा नहीं देखते. They will be punished in eternal. वो अनंत काल में उनको सजा मिलेगी. What is the punishment? सजा क्या है? They will be punished with everlasting destruction. They will be punished with everlasting destruction. अनंत काल का विनाश होगा उनका, वो उनकी सजा है. And shut out from the presence of the Lord. और they will remain away from the presence of the Lord. और प्रभु की उपस्थिति से उनको दूर फेंक दिया जाएगा. And from power. And they will not get power from God. और परमेश्वर से उनको सामर्थ नहीं मिलेगी. They will not receive grace from God. और परमेश्वर से उन्हें अनुग्रह नहीं मिलेगा. They will not get wisdom from God. और परमेश्वर से उन्हें बुद्धि नहीं मिलेगी. They will not get how to come out from this hell. और वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि नरक से कैसे बाहर निकला जाए. They will be away from the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग दूर रह जाएंगे. So God will punish. इस तरह परमेश्वर सजा देगा. God will punish those who don't believe in God. जो परमेश्वर में नहीं मानते उनको परमेश्वर सजा करेगा. We say that people, God, why you don't punish people? हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर तू लोगों को सजा क्यों नहीं देता? Why you don't punish the head, Satan?
और जो शैतान जो सर है उसको तू सजा क्यों नहीं देता? Why you don't punish those demons? और जो दुष्ट आत्मा है उनको तू सजा क्यों नहीं देता? They take worship from all people. वो सब लोगों से अपनी आराधना करवाते हैं. And there are people who don't know Jesus you. और बहुत ऐसे लोग हैं कि जो यीशु आपको नहीं जानते हैं. Still they are having happy life. लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत खुश है. Why God you are not punishing them? परमेश्वर तू उनको सजा क्यों नहीं देता? It is because. वो इसी वजह से punishment is waiting. क्योंकि उनकी सजा अभी तक इंतजार कर रही है. God has prepared day of judgment. परमेश्वर ने न्याय का दिन तैयार किया है, मुकरर किया है. क्रिश्चियन आर पनिश राइट नाउ. या ईसाई लोगों को अभी सजा मिल जाती है. दे आर बीन पनिश्ड एंड गॉड इज पनिशिंग देम दैट दे लर्न लेसन. उनको सजा मिलती है और परमेश्वर उन्हें सजा देता है क्योंकि वो समझ जाए और पाठ सीख जाए. क्रिश्चियन हैव टू पनिशमेंट. मसीही लोगों को दो सजा मिलती है. दे सी डेथ. उनको मृत्यु, वो मृत्यु को देखते हैं. एंड दे आर पनिश्ड इन द फ्लैश. और उनको अपने शरीर में सजा मिलती है. गॉड पनिश टू टीच देम. परमेश्वर उनको सिखाने के लिए सजा देता है. एंड व्हेन दे आर दे लर्न लेसन. और जब उन्हें वो सजा से वो कुछ सीख जाते हैं. They are been forgiven. तब उन्हें पापों की माफी मिल जाती है. In Psalm 79:5, भजन संहिता 79 उसका पांचवा वचन. How long, O Lord? कब तक ओ परमेश्वर? Will you be angry? कब तक तू गुस्सा करेगा? Forever? सदा के लिए? Will your wrath go on burning like fire? और तेरा गुस्सा जैसे आग जलती है उसे उस तरह जलता रहेगा? In Psalm 85:5, और भजन संहिता 85 उसका पांचवा वचन. Will you go on being angry with us, Lord? क्या तू हमारे साथ हमेशा गुस्से में ही बना रहेगा प्रभु? Forever? सदा के लिए तू गुस्सा करेगा? Will you keep your wrath against long generation? और बहुत सारी पीढ़ियों तक क्या तू तेरा क्रोध रखेगा? How long generation you will punish us? और कितनी पीढ़ियों तक तू हमें सजा देगा? In Isaiah 57:16, यशायाह की किताब 57वां अध्याय और 16वां वचन. This यशायाह says here same as David has experienced. जैसे दाऊद का अनुभव था उसी तरह यशायाह यहाँ पर कहता है. For I will not give punishment forever, God says. परमेश्वर कहता है कि मैं सदा के लिए सजा नहीं करूँगा. I will not be angry without end. और अंत तक मैं गुस्से में नहीं रहूंगा. कंप्लेन नॉट फॉर एवर. और हर समय फरियाद मत करो. आई विल नॉट कंप्लेन फॉर एवर. मैं हर वक्त हर हमेशा के लिए फरियाद नहीं करूंगा. दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड. ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा. फॉर फ्रॉम मी ब्रेथ गोज आउट. क्योंकि मेरे अंदर से श्वास निकल रही है. आई मेड द सोल. और मैं उस आत्मा से, उस जीव से मिला. आई मेड दिस लाइफ. मैंने इस जीवन को बनाया, आत्माओं को बनाया. गिव यू ब्रेथ. और मैंने तुम्हें श्वास दिया. सो इफ योर ब्रेथ गोज. तो यदि तुम्हारा श्वास निकल जाता है. माई एंगरनेस विल ऑल्सो स्टॉप. तो मेरा जो क्रोध है वो भी बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा. आफ्टर किलिंग यू. तुम्हें मार देने के बाद. माई एंगरनेस विल स्टॉप. तब उसके बाद मेरा क्रोध शांत हो जाएगा. Then I will not punish more. और उसके बाद मैं ज्यादा सजा नहीं दूंगा. We know if children don't learn, even if we give them hard work. हम यदि बच्चों को बहुत कठिन काम दे फिर भी यदि वो ना सुधरे या ना सीखे. We give 100 time writing. तो हम उनको 100 बार लिखने का देते हैं. And again 100 time. और फिर से हम 100 बार देते हैं. Until he don't understand, फिर भी यदि वो ना समझे, what we do? तो फिर हम क्या करते हैं? Child whole book is finished. जो बच्चा होता है उसकी पूरी किताब पूरी हो गई है. Now no book remaining to give him more punishment. अब ऐसी कोई दूसरी किताब नहीं रही कि उसको हम सजा दे. We take the note. उसका जो नोटबुक होता है वो हम लेते हैं. Slap it on his head. और उसके सर पर मारते हैं. पटकते हैं. या उसके सर पर पटकते हैं. And say. और फिर कहते हैं. Please you don't study.
कि अब तू अभ्यास मत कर. I don't think that you will study anymore. मैं ये नहीं सोचता कि अब से लेके तू आगे कुछ सीखेगा. God punished. परमेश्वर ने शिक्षा की. He punished people. उसने लोगों को शिक्षा की. And he is satisfied after our death. और हमारे मृत्यु के बाद उसे संतोष मिलता है. When Jesus Christ was dead, जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, there was satisfaction with God. तब परमेश्वर को संतोष हुआ. Jeremiah 3:5. यर्मिया की किताब तीसरा अध्याय और पांचवा वचन. Jeremiah also experienced God's language or God's lesson. यर्मिया ने भी परमेश्वर की जो भाषा थी और परमेश्वर से जो सीख मिलती है वो यर्मिया ने उसका अनुभव किया. 3:5 उसका पांचवा वचन, तीसरा अध्याय पांचवा वचन. Will he be angry forever? क्या वो हमेशा के लिए गुस्सा करेगा? Will he keep his wrath to the end? और अंत तक क्या वो अपने क्रोध को जारी रखेगा? These things you have said. ये बात तुमने कही है. And I have done evil and have had your way. और मैंने बहुत दुष्ट काम किया है और मैंने अपना मार्ग चुन लिया है. Jeremiah 3:12. यर्मिया की किताब तीसरा अध्याय बारहवां वचन. God says I am full of mercy. परमेश्वर कहता है कि मैं दया से भरपूर हूँ. I will not be angry forever. मैं हमेशा के लिए गुस्से में नहीं रहूंगा. If we commit ourselves to Jesus Christ, hand over to Jesus Christ. यदि हम अपने आप को यीशु के हवाले करें, यीशु को समर्पित करें, He will not keep angriness forever. तो वो हमेशा के लिए हमारे साथ गुस्सा नहीं करेगा. But if we stay away from the gospel, लेकिन यदि हम सुसमाचार से दूर निकल जाए, we don't believe Jesus Christ, और यदि हम यीशु मसीह में विश्वास ना करें, and we don't become his children, और यदि हम उसके बच्चे ना बने, then he will punish in eternity. तो वो हमें अनंत काल में भी शिक्षा करेगा. But if we submit ourselves to Lord Jesus Christ, लेकिन यदि हम अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करें, he will correct us till death. तो मृत्यु तक वो हमें ठीक करता रहेगा, सही करता रहेगा. He will show his mercy and grace forever. वो हमें हमेशा उसकी दया और उसका अनुग्रह हमें दिखाएगा. He will not be angry with them till end. और अंत तक वो गुस्सा नहीं करेगा. Amos 1:11. Amos की किताब पहला अध्याय और ग्यारहवां वचन. This Amos servant also experienced the same. Amos जो सेवा के उसने भी यही अनुभव किया. And he said. और उसने कहा. Will God keep wrath forever? Lord, I want to know. क्या परमेश्वर सदा के लिए गुस्सा करेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ. David said, Lord, will you be angry forever? दाऊद ने कहा कि प्रभु क्या तू सदा के लिए गुस्सा करेगा? यशायाह ने लॉर्ड आई आल्सो वांट टू नो आई विल यू एंग्री फॉरएवर. यशायाह ने भी कहा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तू हर समय गुस्सा करेगा. यर्मिया आल्सो सेड लॉर्ड विल यू बी एंग्री फॉरएवर. यर्मिया ने भी ये कहा कि प्रभु क्या तू सदा के लिए गुस्सा करेगा. आमोस आल्सो सेज दैट लॉर्ड Will you keep your wrath forever? Amos ने भी ये कहा कि क्या प्रभु तू हमेशा क्रोध करेगा? So God keep wrath forever? तो क्या प्रभु हमेशा गुस्सा करता है? Yes, there is. हाँ, वो करता है. He is angry forever and he also cool down. वो हमेशा के लिए गुस्सा भी करता है और वो शांत भी होता है. He cool down before his children. वो अपने बच्चों के सामने शांत होता है. But he is angry with His enemy. लेकिन वो अपने दुश्मनों के साथ हमेशा गुस्सा में रहता है. Who don't believe Jesus Christ? जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते. He punishes them for eternity. वो उन्हें अनंत काल के लिए सजा करता है. So God is not punishing Satan today. तो परमेश्वर शैतान को आज सजा नहीं देता है. God is punishing his people. परमेश्वर उसके लोगों को सजा देता है. For he is dealing with his children. क्योंकि वो अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है. He is dealing with his people. वो अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है. He is not saying Satan doing any sin and going against God. वो शैतान को पाप करते हुए या परमेश्वर के विरोध जाते हुए नहीं देखता. God is not interested today. He is not interested in punishing Satan. आज परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो शैतान को सजा करे. But God is correcting his people. लेकिन परमेश्वर उसके लोगों को ठीक करता है. We can read in 1 Peter 4. पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय में हमें पढ़ेंगे. Chapter 4, verse 13. पहला पत्रस चौथा अध्याय और 13वां वचन. Please anyone. कोई भी ये पढ़ो. But be glad that you are given a part in the pains of Christ, so that At the revelation of his glory, you may have great joy. Father 17,
For the time has come for the judging, starting with the church of yes, God. The judgment is come, has begun in the house of God. क्योंकि ऐसा समय आया है कि न्याय की शुरुआत परमेश्वर के घर से परमेश्वर की मंडली से हो. If God punish, यदि परमेश्वर सजा देता है, making us something learn, तो वो हमें कुछ सिखा रहा है. We must humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए. We know Job. हम अय्यूब को जानते हैं. Job continue walking with God. अय्यूब परमेश्वर के साथ चलता रहा. He learned with God. उसने परमेश्वर के साथ सीखा. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So when God punish, तो जब परमेश्वर सजा देता है, we should not stop praying. तो हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना we चाहिए. We should not stop worshiping. और हमें आराधना करना बंद नहीं करना चाहिए. We must continue more close with God. हमें परमेश्वर के ज्यादा करीब रहना चाहिए. God is pleading with us as His children. परमेश्वर हम उसके बालक है, उस तरह हमारे साथ व्यवहार करता है. God don't forgive if we don't forgive our brothers and sisters. यदि हम हमारे भाई और बहनों को माफ ना करें तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता. God don't forgive if we go against any servant of God. और यदि हम परमेश्वर के कोई सेवक के विरोध में जाते हैं तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता. God don't forgive if we don't believe Jesus Christ. और यदि हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करें तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता. God don't forgive if we go against Holy Spirit. और यदि हम पवित्र आत्मा के विरोध जाते हैं तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता. We must be careful with these things. ये सारी बातों में हमें ध्यान रखना चाहिए. And we must love God. और हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए. Believe God. और हमें उसमें विश्वास करना चाहिए. And we must know how He worked and He had fellowship with His saints. और हमें जानना चाहिए कि उसने कैसे काम किया और अपने संतों के साथ उसकी संगति कैसे थी. How He treated with His all servants. और उसके जो भी जितने भी सेवक थे उनके साथ परमेश्वर ने कैसे व्यवहार किया वो हमें जानना चाहिए. Moses was called faithful servant. मूसा को विश्वासु सेवक कहा गया. He not reached in Canaan. वो कनान में वो नहीं पहुंच पाया. God punished him. परमेश्वर ने उसे सजा दी. He died. और वो मर गया. He died on the mountain. और वो पहाड़ पर मरा. But he didn't walk ahead or step and watch and saw and get the place. लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं और वो जगह मिलने वाली थी वो जगह उसे नहीं मिली. But he was forgiven. लेकिन उसे माफी मिली थी. This was his punishment. और ये उसकी सजा थी. There are two types of punishment. दो प्रकार की सजा होती है. Again I will repeat. फिर से मैं दोहराऊंगा. God punish to make us learn. हमें कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर सजा करता है. And if we learn, और यदि हम सीख जाते हैं, punishment is over, तो सजा पूरी हो जाती है. There is another punishment. और दूसरी सजा होती है. That is a lesson for whole life. और वो सजा पूरे जीवन के लिए होती है. That is lesson for another people also. और वो दूसरे लोगों के लिए भी एक सीख होती है. Praise God. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. God make us understand. परमेश्वर हमें बात समझाए. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. And let's pray what Lord taught us. और परमेश्वर ने जो हमें सिखाया वो हमें प्रार्थना करें. Our Father who art in heaven. हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. Holy is thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए. Thy kingdom come. तेरा राज्य आए. Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो. Give us our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे. Forgive our debts. और हमारे अपराधों को क्षमा कर. Our sin. और हमारे अपराधों को क्षमा कर. As we forgive our debts. जैसे हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं. And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ला. And deliver us from all evil. और हमें सारी बुराई से बचा. Lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ला. Thine is kingdom. क्योंकि राज्य तेरा है. Thine is glory. और पराक्रम तेरा है. Forever. महिमा तेरी है सदा के लिए. We believe and we say. हम विश्वास करते हैं हम कहते हैं. Amen. Amen. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो.